ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की उज्जैन की है, जहां सड़क चौड़ा करने में बाधा बन रहे 18 धार्मिक स्थलों को सड़क से हटाया जाएगा। इस कार्रवाई में 18 धार्मिक स्थल जिनमें मंदिर, मस्जिद और जैन तीर्थ स्थल शामिल है, इसी के साथ 32 मकानों को तोड़ा जाएगा। इसके लिए गुरुवार सुबह 5 बजे से ही प्रशासनिक अमला नगर निगम की टीम के साथ मौके पर पहुंचा। इस दौरान मस्जिद के कुछ हिस्सों को गिराने को लेकर मुस्लिम महिलाएं विरोध में सड़क पर ही बैठ गईं। प्रशासन की ओर से समझाइश के बाद कहीं जाकर महिलाएं सड़क से हटी। वहीं जैन समाज के लोगों ने प्रभावित हिस्सों को खुद ही हटाना शुरू कर दिया। बता दें, इस मामले को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है और बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। गौरतलब है, उज्जैन शहर में केडी गेट से इमली चौराहे तक सड़क को 15 मीटर चौड़ा किया जाना है। इसमें मंदिर, मस्जिद के साथ जैन मंदिर सहित 32 मकान बाधा बन रहे थे। नगर निगम ने इन सभी को पहले नोटिस देकर हटाने की बात रखी थी। इस मामले में राजनीति भी हुई। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर विरोध जताया और आंदोलन की चेतावनी दे डाली। मामले में ADM अनुकूल जैन ने बताया कि गुरुवार सुबह से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुछ लोगों का विरोध सामने आया था, लेकिन समझाने पर लोग मान गए। इस सड़क को 15 मीटर चौड़ा करना है। देखिए, ये केडी मार्ग जो है, केडी गेट चौराहे से लेके इमली तिराहे तक का जो यहाँ पर मार्ग का चौड़ीकरण होना है, इस संबंध में कुछ निर्माण हटाए जाने थे और ये निर्माण हटाने की कार्रवाई सुबह प्रारंभ कर दी गई थी सूर्योदय के साथ ही, और शांतिपूर्वक यहाँ पर कार्य चल रहा है। जो विभिन्न इमारतें थी, जिनमें कुछ धार्मिक इमारतें भी थी और कुछ रहवासियों के मकानों के भी इसमें कुछ एरिया आ रहा था, उन सभी को आपसी समन्वय के साथ में हटा दिया गया है। हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जी सर, कितने धार्मिक स्थल यहाँ पर हटाए जा रहे हैं? देखिए, जो कुल चिन्हित स्थल हैं वो 38 के करीब हैं। इनमें कुछ धार्मिक स्थल हैं और कुछ रहवासियों के मकान हैं। सर, कुछ सुबह कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था, उसके बाद उनकी समझाइश? देखिए, स्वाभाविक है, क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाई में कई बार असहयोग भी होता है, असहमति भी होती है, पर आपसी सहयोग और समन्वय के साथ में कार्रवाई जारी है और निरंतर चलती रहेगी। बताते चलिए, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मार्ग से अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए थे। एक दिन पहले यानी बुधवार को मार्ग का निरीक्षण किया गया और मुनादी भी कराई गई थी। देर शाम तक अधिकारियों ने पूरे मार्ग पर लगाने के लिए बैरिकेड्स भिजवा दिए थे। लोगों को सुबह घर के बाहर नगर निगम और पुलिस का अमला दिखा तो वे विरोध करने लगे। हालांकि आधे घंटे की कोशिश के बाद लोगों ने अधिकारियों की बात मान ली।